नोएडा के सेक्टर 24 में स्थित ईएसआई हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल इलाज के दौरान मरीज के मौत के बाद परिवार वालों ने हंगामा किया। यही नहीं, इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर के साथ मारपीट भी की। इस दौरान डॉक्टर का हाथ टूट गया। वहीं मरीज के परिवार ने इमरजेंसी में भी काफी तोड़फोड़ की। इस हंगामे के बाद डॉक्टर्स ने इलाज करने से मना कर दिया, जिसके बाद हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों को इलाज न मिलने से यहाँ पर हंगामा देखने को मिला। तो नोएडा से खबर, जहां पर ईएसआई हॉस्पिटल में डॉक्टर से मारपीट का मामला सामने आया है। इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद जो परिवार वाले थे वो हंगामा करने लगे। इमरजेंसी में भी तोड़फोड़ की गई। इलाज न मिलने से मरीज ये हंगामा करते हुए नजर आए। डॉक्टर ने ओपीडी से भेजा, अभी तक वहाँ डॉक्टर बैठ नहीं है। टाँका काटने वाला कोई टाँका काटने को तैयार नहीं है। रोज रोज एक ही चक्कर नहीं लगाया, बोला कल आके कटवा लेना। डॉक्टर के स्ट्राइक है इसलिए। मेरे बच्चे को आज 5 दिन से बुखार हो रहा, इमरजेंसी में लाए, 102 बुखार था। डॉक्टर बोला कोई बात नहीं, ठीक है। 102 बुखार में ठीक बोल दिया, एक इंजेक्शन दिया, घर भगा दिया। आज फिर लेकर आई हूँ, सुबह से 8 बजे लाइन में लगी हूँ, अभी तक पर्चा नहीं कर, डेट नहीं डाली है। और बच्चे को बुखार फिर चढ़ने लगा है और दवाई मेरे पास कोई है नहीं। बोले आज हड़ताल, बताना चाहिए ना कि आज हड़ताल है। मेरे पेट में चोट लग गया, जीना पर से परसों में गिर गई हूँ। तो डॉक्टर के पास आई, ओपीडी में लिख दिए, ओपीडी में पर्ची कटी नहीं रहा है। अब पता नहीं लोग मीटिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके यही लोग जानेंगे, हम लोग तो कुछ नहीं जान रहे। नोएडा के सेक्टर 24 ईएसआई हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ मारपीट का मामला आया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ईएसआई हॉस्पिटल में बीती रात डॉक्टर के साथ मारपीट मरीजों के परिजनों ने करी है। और जब मरीज की हालत काफ़ी गंभीर हो गई थी, उस दौरान मरीज की मौत होने के बाद जो डॉक्टर्स के साथ मारपीट करी गई, इमरजेंसी में भी परिजनों ने तोड़फोड़ करी है। उनका कहना है कि जो डॉक्टर के द्वारा लापरवाही इलाज में बरती गई है, लेकिन लगातार जो ईएसआई हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि यहाँ पे सुरक्षा को लेके वो लगातार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक भी उनको सुरक्षा नहीं दी गई है। आपको बता दें कि लगातार दिल्ली एनसीआर के जो और जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उन सभी में सुरक्षा को लेके डॉक्टर्स स्ट्राइक भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार के द्वारा कोई ठोस कदम डॉक्टर की सुरक्षा को लेकर नहीं उठाए गए, जिससे कि डॉक्टर्स आराम से हॉस्पिटल के अंदर काम कर सके। अब देखना होगा कि किस तरीके के कदम केंद्र सरकार के द्वारा उठाए जाएंगे, जिससे कि डॉक्टर सुरक्षा मिल सके। शिव त्यागी, जनतंत्र टीवी, नोएडा।